उम्मा से कहना चाहता हूँ, मैंने अपना जीवन इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप लोगों को थोड़ी सी खुशखबरी वाली वीडियो दिखाना चाहता हूं। आप लोग जानते होंगे यति नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों के कट्टर दुश्मन थे, पहले थे। यति नरसिंहानंद सरस्वती पहले ये कहा करते थे कि हम मुसलमानों को, इस्लाम को इस दुनिया से, देश से मिटाएंगे, ख़त्म करेंगे। लेकिन वही यति नरसिंहानंद सरस्वती को आखिर क्या हो गया है, आज वो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो मैंने कुछ कहा था, जो कुछ किया है, वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी, अब ऐसा नहीं करूँगा, और मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे हैं। कई दिनों से वीडियो वायरल हो रही है, जो लोग नहीं देखे हैं ये वीडियो आप लोगों को दिखाऊँगा, वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन उससे बड़ी बात, बड़ा खुलासा मैं ये करूंगा कि आखिर यति नरसिंहानंद सरस्वती को एहसास क्यों हुआ और मुसलमानों से माफी क्यों मांग रहे हैं। क्या इस माफी के पीछे कुछ चक्कर है, कोई साजिश है, ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। और लोग इस माफी के बारे में क्या कह रहे हैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक झलक यति नरसिंहानंद सरस्वती की जबान से, एक झलक वीडियो देखिए किस तरह मुसलमानों से माफी मांग रहे हैं, देखिए एक झलक वीडियो। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल माँ और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूँ। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ। मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। हर महादेव। दोस्तों आप लोगों को एक झलक वीडियो दिखाई, पूरी वीडियो देखने के लिए आप इस ट्वीट पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए मिल्लत टाइम के मुताबिक यति नरसिंहानंद सरस्वती ये कह रहे हैं, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अब मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा। अब तक जो कुछ मैंने इस्लाम के खिलाफ जहर उगला है वह मेरी गलती थी। तो अब आइए वजह पर, आखिर वजह क्या है। देखिए एक वजह ये भी सामने आ रही है कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी यानी वसीम रिजवी और यति नरसिंहानंद सरस्वती दोनों जेल गए थे यति नरसिंहानंद सरस्वती के कारण। जब यति नरसिंहानंद सरस्वती बाहर निकल गए तो वसीम रिजवी को अकेला जेल में रहना पड़ा यति नरसिंहानंद सरस्वती के कारण। जब वसीम रिजवी जेल से बाहर आ रहे थे तब यति नरसिंहानंद सरस्वती उनसे मिलने गए, लेकिन वसीम रिजवी यति नरसिंहानंद सरस्वती यानी अपने गुरु से नहीं मिले, वो चले गए, शायद रूठ कर चले गए होंगे। जब वो रूठ कर चले गए तो शायद यति नरसिंहानंद सरस्वती को झटका लगा होगा और यति नरसिंहानंद सरस्वती सोचे होंगे मेरी वजह से वो जेल के अंदर रहे, जब बाहर आ रहे थे तो मिलने के लिए इंतजार भी नहीं किया, तो इनका भी दिल टूट गया होगा और ये सोचे होंगे अब वो सब लफड़ा उफड़ा कुछ करूंगा ही नहीं, और मुसलमानों से माफी मांगने लगे कि अब जो भी कुछ हुआ वो मेरी गलती थी, अब मुझे माफ़ कर दो, अब मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ मतलब वो सब जो स्पीच में देता था वो सब कुछ करने वाला नहीं हूँ। और दूसरी वजह ये भी सामने आ रही है कि जब ये नफ़रत फैलाते थे इस्लाम के ख़िलाफ़ तब बाहरी देशों से भारत सरकार पर प्रेशर आता था और सरकार ने यति नरसिंहानंद सरस्वती को दबाव देकर माफ़ी मंगवाई। तो इस तरह सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें आ रही है। लेकिन दोस्तों लोग इस माफ़ी के बारे में क्या कह रहे हैं वो भी थोड़ा जान लीजिए। देखिए लोगों का क्या क्या कहना है। एक कहते हैं अगर इसने इस्लाम भी कबूल किया तो भी हम इस पे भरोसा नहीं करेंगे, ये अपनी अपनी राय है। और एक यूज़र ये कह रही हैं चलो भगवान माफ़ी मांगने वालों को पसंद करता है और माफ़ भी करता है लेकिन गलती बार बार नहीं हो, ये सही बात है, जो माफ़ी मांगते हैं भगवान उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों मैं पहले भी ये कहा था कि यति नरसिंहानंद सरस्वती जब इस्लाम के ख़िलाफ़ अल्लाह के ख़िलाफ़ अल्लाह को गाली दे रहा था, प्रोफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा था, तब मैं ये कहा था कि कोई भी मुस्लिम इन लोगों के भगवानों को गाली मत देना क्योंकि कुरान मना करता है। और मैं ये दुआ किया था, लोगों से ये कहा था अगर आप कुछ करना चाहते हैं इनके लिए तो आप हिदायत की दुआ करिए, तो हिदायत तो इनको नहीं मिली लेकिन कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। दोस्तों
यानी मुसलमानों से ये माफ़ी मांग रहे हैं कि जो भी कुछ गलती हुए माफ़ कर दो, अब मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूँगा। दोस्तों पूरी वीडियो पूरी रिपोर्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में खुला है राय दीजिए। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।